वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बिना फाउंडेशन और बिना कंसीलर के कैसे अपना बेस मेकअप बहुत ही फ्लॉलेसली कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का हैंडल्स मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड पॉन्ड्स, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम का रिव्यू। और जो शेड मैंने इसमें परचेज किया वो है लाइट। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको अप्लाई करके आज अपना ये जो बेस मेकअप मैंने इसी को अप्लाई करके किया है, तो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल रिव्यू दूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइज, ये है पॉन्स की बीबी प्लस क्रीम। मैंने जो इसमें शेड परचेज किया है वो है आइवरी। ये जो क्रीम है ये आपको इंस्टेंट स्पॉट कवरेज और एक लाइट मेकअप ग्लो देने में हेल्प करती है। ये एक विटामिन एनरिच क्रीम है, और ये एक लाइट फाउंडेशन का भी काम करती है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इसमें आपको SPF 30++ भी मिल जाता है जो कि आपको सन से भी प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, आप देख सकते हैं आपको कितनी ब्यूटीफुल सी पिंक एंड व्हाइट कलर की पैकेजिंग में मिल जाती है कार्डबोर्ड की, और ये आपको किसी भी लोकल स्टोर और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको दो शेड्स अवेलेबल हैं जो कि है आइवरी और नेचुरल, और हाउ टू यूज वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप इसके अदर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं जो भी इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स हैं। सो गाइज, ये जो पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम है इसमें आपको मिल जाते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स जो कि है विटामिन B3 जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन और इवन आउट स्किन टोन देने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें आपको ग्लिसरीन मिलता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। उसके साथ साथ इसमें आपको SPF 30++ भी मिल जाता है जो कि आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये वाली जो क्रीम है इसको आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप कोई हैवी मेकअप लुक नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई नो मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं। उसके अलावा ये जो पॉन्स की बीबी प्लस क्रीम है ये एक परफेक्ट बैलेंस है ब्राइटनिंग विटामिन का, जिसके साथ साथ इसमें आपको SPF 30 और मिनरल्स भी मिलते हैं जिससे आपको एक लाइट मेकअप ग्लो मिल जाता है। उसके अलावा ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन से जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करने में भी हेल्प करती है, और आपको एक ब्राइटनिंग स्किन देती है और इवन आउट स्किन टोन देती है आपको, और ये आपकी स्किन पर एक सेकेंड स्किन की तरह लगती है, और आपको बहुत ही अल्ट्रा लाइट फील करती है आपकी स्किन पर, और ये आपको एक हेल्दी ग्लो देने में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है आपको हार्मफुल यूवी रेस से, और ये ऑल स्किन टाइप्स पर सूटेबल है, और ये एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड क्रीम है, और ये एक मेड इन इंडिया क्रीम है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइज, इसमें आपको मिल जाती है 18 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी विच डिटेल्स फॉर ₹129, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको ये क्रीम जो है ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, मैं अपने क्लीन फेस पर इस पॉन्स बीबी क्रीम को अच्छे से अप्लाई करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी क्वांटिटी में इस क्रीम को ले रही हूँ अपने हैंड पर। ये एक बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, इसको अप्लाई करके आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपने कोई हैवी मेकअप अप्लाई किया है। अपने पूरे फेस पर अच्छे से मैं इसको डॉट करके लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स हैं या फिर कोई एक्ने मार्क्स वगैरह हैं अपनी आईज़ पर, और जहाँ जहाँ भी मुझे फाउंडेशन वगैरह मैं अप्लाई करती हूँ या फिर मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ वहाँ पर मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये आपको एक इवन टोन स्किन देने में भी हेल्प करती है, और जो भी अगर आपके फेस पर कोई भी मार्क्स वगैरह हैं या कोई डार्क सर्कल्स वगैरह हैं पिगमेंटेशन है उसको भी हाइड करने में हेल्प करती है। अपनी नेक पे भी मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं अपने हैंड्स की हेल्प से पहले इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर रही हूँ इवनली। हैंड्स की हेल्प से ना बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है क्रीम वगैरह, इसीलिए मैं इसको हैंड्स की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गया है, पर जब मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी ना तो इसका जो कवरेज है वो बहुत ही सीमलेस कवरेज आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, इट्स माय ओन स्किन, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी स्किन टोन के साथ एकदम मैच कर जाती है ये वाली क्रीम।
से अच्छे से डैप कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा लेयर मेरे फेस पर लग रही है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी मेरी स्किन में। और जब भी आप कोई बेस मेकअप करें तो उसका ट्रिक यही होता है कि आपको अच्छे से ब्लेंड करना है उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई कर लिया और इसका कवरेज कितना अच्छा है। आपको अपना फाइनल रिव्यू दूँ इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैं तो यही कहूँगी मेरे को ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसका जो फॉर्मूला है, जो टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये मेरे स्किन के साथ बिल्कुल मैचिंग है। और अगर आपने इसको लगा लिया तो आपको इसके बाद और कोई प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईजी टू कैरी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इसको आप अगर डेली ऑफिस गोइंग है, जैसे आपको डेली मेकअप करना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए, तो आप ये वाली क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और डेली मेकअप में भी या फिर जैसे अगर आपको एवरीडे मेकअप वगैरह करना होता है उसके लिए भी आप ये वाली क्रीम अप्लाई करिए और अपना थोड़ा बहुत जो मेकअप अपने करना है वो कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो इट्स अ वेरी गुड क्रीम एंड इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको मेरा आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा डन। एंड उसके अलावा आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने DIY वीडियोस भी डाले हैं, हॉल वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ, मेकअप लुक्स भी मैं डालती रहती हूँ, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, वहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप और कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।